लक्ष्य मिला हुआ है, उस लक्ष्य पर चलने के लिए पहले हम उस पर जीते हैं, चलते हैं, अनुभव करते हैं, और फिर दूसरों को जब हमारे जीवन से प्रेरणा मिलती है तो मैं समझता हूं कि वो भी चाहते हैं। क्योंकि आज आप सभी देखते हैं चारों तरफ कि चारों तरफ असंतुष्टता का वातावरण बना है, सब लोग जो हैं जैसे तंग आ चुके हैं इन विकारों से, जैसे बहुत बड़ी परेशानी उनको लगती है। और वो स्वाभाविक जब हमारी तरफ देखते हैं, बाबा के बच्चों की तरफ देखते हैं, तो उनको जैसे कभी कभी भगवान याद आता था जब मुसीबत होती थी, अब उनको लगता है कि ये बच्चों के चेहरे में भगवान के रूप दिखाई देता है। तो हम तो उस रीति आप सब मिलकर ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये समझता हूं कि ये जो अवसर हमें मिला है, ये जो उत्सव है, ये सचमुच हम सबके लिए एक नया जीवन प्रदान करने वाला है। कि ये हमारा छोटा सा परिवार, चाहे ग्लोबल हॉस्पिटल से हो, नर्सिंग कॉलेज, स्कूल हो, कुछ ना कुछ भाई बहने हमारे बीच में पहुंच जाते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और आज का ये जो प्रोग्राम है, नेचुरली अभी आपको काफी कुछ देखने सुनने को भी मिलेगा, उससे भी हमारे जो दिल के उद्गार हैं आप जान पाएंगे। एक बार फिर इस अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और साथ में हमारे हमजीन की तरह हमारे सामने हैं और इसके भागीदार बने हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम। जब से मानव हुआ पांच विकारों का गुलाम, तब से हमारी दैवी संस्कृति हो रही बदनाम। छल कपट को बनाया जब से उन्नति का आधार, छल कपट को बनाया जब से उन्नति का आधार, कोई तो ये भी भूल गए कि क्या होता है शिष्टाचार। शिव पिता ने खुद आकर ये बात समझाई है गहराई से, सच्चा सुख मिलेगा केवल दिल की सच्चाई से, सच्चा सुख मिलेगा केवल दिल की सच्चाई से। मीठी मीठी मेरे बाबा की मुरली लागे, मीठी मुरली लागे, होकर बाबा की दीवानी आत्मा रानी नाचे, होकर बाबा की दीवानी आत्मा रानी नाचे, होकर बाबा की दीवानी आत्मा रानी नाचे। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला राधा। आज सुबह भी कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी और शिव जयंती दोनों को रात में मनाते हैं, लेकिन रास नहीं जानते। अभी हमने रास समझा है, क्योंकि जो कुछ भी हमें वर्षा मिलना है, प्राप्ति होनी है, वो यही समय है। तो इस समय हमें अपने आप को संपन्न बनाना है। तो आज बाबा ने गीत भी सुनाया ना, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो कितने गुण हमने धारण किए, कितने संसार में कोई भी कुछ कहे, लेकिन असली चार्ट तो हमें अपना खुद ही पता होता है, अपना हमारा चार्ट क्या है। जो श्री कृष्ण का गायन है, पहले दिन से जब से हमने ज्ञान लिया तो सबसे पहले यही सुन रहे थे कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण का चित्र जो है कितना प्यारा लगता है, तो उस प्यारे से चित्र को अपना चरित्र बनाए, तभी श्री कृष्ण आएगा ना। जन्माष्टमी के निमित्त यहाँ एकत्रित हुए हैं, और यह दृश्य देखकर बहुत मन हर्षित हो रहा है, क्योंकि
बाबा ने इस स्थान का नाम शिव मणि रखा है तो ऐसे लगता है कि सचमुच में बाबा की शिव बाप की इस स्थान पर सब मणियां चमक रही हैं। जब भी मैं दुनिया के कोई वृद्ध आश्रम में कईयों की जीवन कहानी बातें सुनते हैं तो मन कभी दुख में अशांत हो जाता कि सचमुच में आज के कलयुग का समय ऐसा है जो अपने बच्चे माँ बाप को भी नहीं देखते संभालते, पर जो आप सभी यहाँ बाबा के इस स्थान पर शिव मणि होम में बैठे हैं, रहते हैं, सब कुछ बाबा के घर की पालना आप सभी अनुभव करते हैं।